मौका जब भी मिले चुकना नहीं, अड़ जाना तूफानों के आगे पर झुकना नहीं। ठहरो, सोचो, आगे बढ़ो, बुजुर्गों ने बताया था मुसीबतें लाख आए मगर रुकना नहीं। तो एनर्जी बूस्टर, आपका अपना चैनल क्विज ऑफ द डे विद हिज में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ IOCL अप्रेंटिस के सिलेबस पैटर्न के अकॉर्डिंग, IOCL क्वेश्चन पैटर्न के अकॉर्डिंग पूरा कंप्लीट 100 क्वेश्चन का सेट, जिसमें आपको 60 टेक्निकल क्वेश्चन मिलेंगे और 40 नॉन टेक्निकल क्वेश्चन मिलेंगे। और इस टेक्निकल क्वेश्चन में आपको सारे ब्रांच से क्वेश्चन मिलेंगे और नॉन टेक्निकल क्वेश्चन में करंट अफेयर्स, मैथ, GK GS, ये सारे क्वेश्चन का शानदार कलेक्शन, शानदार सामंजस्य मिलेगा आपको। तो एक बार आप लोग इसका प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। अगर आप पूरा वीडियो को देखेंगे तो आपको फ़ायदा खुद ब खुद नज़र आएगा। अभी आपका कंडीशन मेंटल, अभी जो आपका मानसिक कंडीशन है वो, और पूरा वीडियो देखने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस बुस्टअप होगा वो आप पूरा वीडियो देखने के बाद आप कंपेयर कर सकते हैं। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखें। तो बिना समय गंवाते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज कॉल्ड टर्बाइन पंप इफ इट इज हैविंग ए। तो इसका आंसर बताना है आपको। ऑप्शन ए कह रहा है टर्बाइन इंपेलर, ऑप्शन बी वेन डिफ्यूजन केसिंग, ऑप्शन सी रोटेटिंग वेन वॉल्यूट और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। आप लोग 1 से 100 तक नंबरिंग कर लीजिए और एक एक क्वेश्चन जब मैं बोलूं तो उसका एक बार आप अपने मन से आंसर जरूर मार्कअप कर लीजिए, ठीक है, ताकि 100 क्वेश्चन करने के बाद आप खुद ब खुद ये खुद को आंक सकते हैं या फिर आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आउट ऑफ 100 आपने कितना स्कोर किया है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग लगा लीजिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी वेन डिफ्यूजन केसिंग, ठीक है। अगर आपने सही लगाया तो उसको आप सही कर लीजिए, अगर गलत लगाए तो ईमानदारी से उसको गलत कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे खुद को चेक करना है, खुद को आंकना है, न कि यहाँ पे हम जॉब दिया जा रहा है कि आप चीटिंग करेंगे, ओके। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो थोड़ा सा लंबा ये ज़रूर होगा क्योंकि टोटल इसमें 100 क्वेश्चन का कंप्लीट सेट है, ठीक है, तो पेशेंस रखें। अगला क्वेश्चन है, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सियल फ्लो इंपेलर, एक्सियल फ्लो इंपेलर का एग्जाम्पल कौन सा है। ऑप्शन ए पैडल, ऑप्शन बी टर्बाइन, ऑप्शन सी इंपेलर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एव। तो इसका जो राइट आंसर है, पहले एक बार आप लगा लीजिए आंसर वीडियो को पॉज करके, और इसका जो राइट आंसर है वो है प्रोपेलर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेज कैविटेशन इन सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप में किस वजह से कैविटेशन होता है। ऑप्शन ए हाई सक्शन प्रेशर, ऑप्शन बी लो बैरोमेट्रिक प्रेशर, ऑप्शन सी लो सक्शन प्रेशर और ऑप्शन डी हाई सक्शन वेलोसिटी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लो सक्शन प्रेशर, ओके, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हिच लॉ प्रिंसिपल ऑफ सॉलिड मैकेनिक्स इज सिमिलर इक्विवेलेंट टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इन फ्लूइड मैकेनिक्स। तो जैसे कि फ्लूइड मैकेनिक्स में न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है, इसी तरह से सॉलिड मैकेनिक्स में कौन सा लॉ है। तो ऑप्शन ए आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ऑप्शन बी न्यूटन्स लॉ, ऑप्शन सी हुक्स लॉ और ऑप्शन डी ये न्यूटन्स। तो न्यूटन दो बार ऑप्शन में दे दिए हैं, तो आप लोग इसका आंसर लगा लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ओके, हुक्स लॉ, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और जब हम उसका आंसर बताएं तो आप लोग उसका मार्किंग कर लीजिए सही हुआ या गलत, उसी समय एट ए टाइम आप लोग कर लीजिए, इसलिए एक एक क्वेश्चन है इसमें, ठीक है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सी डी इज ऑलवेज डेस देन सी सी, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू और आइदर मोर और लेस देन। तो इसका आप लोग आंसर लगा लीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ग्रेटर देन। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पिटोट ट्यूब मेजर द डैश ऑफ द फ्लूड, पिटोट ट्यूब जो है फ्लूड का क्या मेजर करता है। ऑप्शन ए प्रेशर, ऑप्शन बी एवरेज वेलोसिटी, ऑप्शन सी एवरेज फ्लो रेट, ऑप्शन डी पॉइंट वेलोसिटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, पहले आप लोग आंसर लगा लीजिए, इसका जो राइट आंसर है वो है पॉइंट वेलोसिटी। ठीक है, आपका सही या गलत आप लोग जरूर मार्कअप कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका द प्रोसेस अपोजिट टू द डिस्पर्सन इज टर्म्ड एज द, ऑप्शन ए फ्लोकुलेशन, ऑप्शन बी सेडिमेंटेशन, ऑप्शन सी फिल्ट्रेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो एक बार आप लोग इसका आंसर लिख लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्लोकुलेशन। अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस सेट की तरह लगाएंगे नंबरिंग करके, जब मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ तो उसका आप खुद से एक बार आंसर सोचिए, और तब जो आप 100 क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको इस प्रैक्टिस सेट का फ़ायदा नज़र आएगा। सिर्फ वीडियो देखने से बिल्कुल भी आपको फ़ायदा नहीं नज़र आने वाला है। जब तक इस प्रैक्टिस सेट को एकदम एज ए एग्ज़ाम आप इसको सॉल्व करेंगे तब आपको फ़ायदा नज़र आएगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ए फ्लूड एनर्जी मिल इज यूज्ड फॉर, फ्लूड एनर्जी मिल का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए कटिंग के लिए, ऑप्शन बी ग्राइंडिंग के लिए, ऑप्शन सी अल्ट्रा ग्राइंडिंग के लिए और ऑप्शन सी डी क्रशिंग के लिए। तो इसका राइट आंसर आप लोग एक बार लगा लीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ओके, अल्ट्रा ग्राइंडिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साइक्लोन्स आर यूज्ड प्राइमरीली फॉर द सेपरेटिंग, साइक्लोन का यूज़ किसको सेपरेट करने में किया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है सॉलिड, ऑप्शन बी सॉलिड फ्रॉम फ्लूड, ऑप्शन सी लिक्विड और सॉलिड फ्रॉम सॉलिड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सॉलिड फ्रॉम फ्लूड्स, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा इज केमिकली रिप्रेजेंटेड बाय, बेकिंग सोडा को केमिकली उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। Na2CO3, NaHCO3, Na2CO3 इंटू टेन H2O और ये टेन H2O। तो इसका जो राइट आंसर है ये बेकिंग सोडा, दैट मीन्स खाने वाला सोडा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ठीक है, और इसी में अगर वॉशिंग सोडा पूछता तो ये हो जाता आंसर, ठीक है, बार बार बोलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पॉलीकैप्रोलैक्टम इज कॉमर्शियली नोन एज, पॉलीकैप्रोलैक्टम जो है कॉमर्शियली किसका नाम है। ऑप्शन ए नाइलॉन 6, ऑप्शन बी नाइलॉन 6, ऑप्शन डी सी डेक्रॉन और ऑप्शन डी रेयॉन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, नाइलॉन 6। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बेकेलाइट इज केमिकली नोन एज, बेकेलाइट को केमिकली क्या बोलते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीब्यूटाडाइन, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड या पॉलीयुरेथीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है केमिकल नेम ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ग्रिगनार्ड रिएजेंट का केमिकल नेम क्या है। सोडियम थायोसल्फेट, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो एक बार आप लोग इसका आंसर सोच लीजिए, लिख लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, चलते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये तो हो गया, अगला क्वेश्चन है ऑल एंजाइम्स आर मेड ऑफ, सभी एंजाइम जो बने होते हैं किसका, फैट्स का या कार्बोनेट्स का या प्रोटीन का या एमिनो एसिड का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रोटीन। ओके,
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब हम क्वेश्चन स्क्रीन पे लाते हैं तो अगर आप सेट की तरह बना रहे हैं तो क्वेश्चन जैसे ही सामने आए वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप आंसर लिख लीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं ऑप्शन पढ़ने के बाद डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ, मैं ज़्यादा स्पेस नहीं लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे अभी स्क्रीन पे आया आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, ठीक है, और उसके बाद आंसर बना लीजिए, ठीक है। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन बाय ऑप्शन ए 1.5 के, ऑप्शन बी 2.5 के, और ऑप्शन सी 0.696 बाय के और 693 बाय के। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लिमिटिंग रिएक्टेंट इन ए केमिकल रिएक्शन डिसाइड द लिमिट, क्या डिसाइड करता है। ऑप्शन ए रेट कांस्टेंट, ऑप्शन बी कन्वर्जन, ऑप्शन सी रिएक्शन स्पीड, ऑप्शन डी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिस्पर्सन नंबर ऑफ सीएसटीआर, सीएसटीआर का डिस्पर्सन नंबर कितना होता है, 0, 1, less than 1 और इन्फिनेटिव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इन्फिनेटिव, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव मैक्सिमम गैस कन्वर्जन, इसमें से कौन सा जो है मैक्सिमम गैस कन्वर्जन देगा। फ्लूडाइज्ड बेड रिएक्टर, फिक्स्ड बेड रिएक्टर, फ्लूडाइज्ड बेड रिएक्टर या सेमी फ्लूडाइज्ड बेड रिएक्टर या प्लग फ्लो कैटालिटिक रिएक्टर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेमी फ्लूडाइज्ड बेड रिएक्टर, ओके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है थ्रेशहोल्ड इनर्जी इन ए रिएक्शन इज इक्वल टू द, थ्रेशहोल्ड इनर्जी क्या होता है, एक्टिवेशन इनर्जी या नॉर्मल इनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट या सम ऑफ ए और बी और नाइदर ए और बी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ठीक है। मतलब एक्टिवेशन इनर्जी और नॉर्मल इनर्जी रिएक्टेंट का दोनों का सम होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड अपॉन द, रेट कांस्टेंट जो है फर्स्ट ऑर्डर का किस पे डिपेंड करता है। ऑप्शन ए कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ऑप्शन बी टेम्परेचर, ऑप्शन सी कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट और ऑप्शन डी टाइम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द रेट एट विच ए केमिकल सब्सटेंस रिएक्ट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स, ऑप्शन ए एक्टिव मास, ऑप्शन बी इक्विवेलेंट वेट, ऑप्शन सी मॉलिक्यूलर वेट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एक्टिव मास, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सब्लिमेशन टेम्परेचर ऑफ ड्राई आइस इज, ड्राई आइस का सब्लिमेशन टेम्परेचर क्या होता है। ड्राई आइस कहने का मतलब सोडियम कार्बन, ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए कह रहा है -273, 0 या -78 या 5। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इंट्रोपी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड अपॉन इट्स, इंट्रोपी जो है आइडियल गैस का किस पे डिपेंड करता है। ऑप्शन ए प्रेशर, ऑप्शन बी टेम्परेचर, ऑप्शन सी बोथ और ऑप्शन डी नाइदर ए और बी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बोथ ए और बी, ओके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द मिनिमम नंबर ऑफ फेज दैट कैन एग्जिस्ट इन ए सिस्टम इज, तो इसका जो ऑप्शन ए कह रहा है 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन सी डी 3। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हेन लार्ड इक्वेशन डील्स विद द एक्टिविटी कोएफिशिएंट इन बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, एजोट्रोपिक मिक्सचर, नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वेरी टॉल पैक्ड टावर आर डिवाइडेड इनटू सीरीज ऑफ बेड टू रिड्यूस द ओवरऑल प्रेशर ड्रॉप, एवॉइड चैनलिंग, रिड्यूस लिक्विड होल्डअप, एवॉइड फ्लडिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एवॉइड चैनलिंग।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ड्राइंग ऑपरेशन इट इज इजियर टू रिमूव द डैश मॉइस्चर। तो इसका जो पहले ऑप्शन देख लीजिए, इक्विलिब्रियम, क्रिटिकल या अनबॉइंड या बॉन्ड। तो इसका आंसर आप लोग एक बार पहले लिख लीजिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनबाउंड मॉइस्चर। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हीपिंग इन डिस्टिलेशन कॉलम। व्हीपिंग डिस्टिलेशन कॉलम में होने से क्या होता है? इंक्रीज एफिशिएंसी, प्रोवाइड लार्ज इंटरसरफेस एरिया ऑफ द मास ट्रांसफर, रिजल्ट ड्यू टू वेरी हाई गैस वेलोसिटी या रिजल्ट ड्यू टू वेरी लो गैस वेलोसिटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रिले इक्वेशन अप्लाइज टू डैश डिस्टिलेशन। रिले इक्वेशन किस टाइप के डिस्टिलेशन में यूज किया जाता है? कंटिन्यूअस डिस्टिलेशन में, या स्टीम डिस्टिलेशन में, या डिफरेंशियल डिस्टिलेशन में, या फ्लैश डिस्टिलेशन में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डिफरेंशियल डिस्टिलेशन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, फेंसकी इक्वेशन डिटरमाइन द। फेंसकी इक्वेशन क्या डिटरमाइन करता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडियल प्लेट, हाइट ऑफ द डिस्टिलेशन कॉलम, मिनिमम नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट, या ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो। तो इसका आंसर एक बार आप लोग सोच लीजिए, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मिनिमम नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द टर्म कूलिंग रेंज इन कूलिंग टावर रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ऑफ, ऑप्शन ए कोल्ड वाटर लिविंग द टावर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एयर। ऑप्शन बी कह रहा है हॉट वाटर इंटरिंग टू द टावर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एयर। ऑप्शन सी कह रहा है हॉट वाटर इंटरिंग टू द टावर एंड कोल्ड वाटर लिविंग द टावर, और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ग्रासॉफ नंबर इनटू प्रेंटल नंबर, इसको क्या बोलते हैं? ग्रिज नंबर, रिले नंबर, नसेल्ट नंबर, या स्टेंटन नंबर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है रिले नंबर। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर द हाइट ऑफ 25% कट बेफल इज इक्वल टू, जहाँ पे डी जो है डायमीटर ऑफ द सेल है। तो 25% कट है तो उसका डायमीटर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, आपको बताना है। इसका आंसर आप लोग देख लीजिए, लिख लीजिए इसका आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर आर यूज्ड टू। मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर का यूज कहाँ पे करते हैं? जब इंक्रीज द स्टीम इकोनॉमी की इकोनॉमी एंड डिक्रीज द कैपेसिटी, इंक्रीज द स्टीम इकोनॉमी एंड द कैपेसिटी, डिक्रीज द स्टीम इकोनॉमी द कैपेसिटी एंड डिक्रीज द स्टीम इकोनॉमी एंड इंक्रीज द कैपेसिटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंक्रीज द स्टीम इकोनॉमी एंड द कैपेसिटी, मतलब दोनों को बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्यू फैक्टर इज इम्पॉर्टेंट इन हीट ट्रांसफर बाय। व्यू फैक्टर जो है किस में इम्पॉर्टेंट होता है? स्टेडी स्टेट कंडक्शन में, या नेचुरल कन्वेक्शन में, या फोर्स्ड कन्वेक्शन में, या रेडिएशन में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, रेडिएशन। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो रेट इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स मल्टीप्लाई रेसिस्टेंस, ड्राइविंग फोर्स रेट मल्टीप्लाई रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स मल्टीप्लाई रेट, और रेट इक्वल टू रेसिस्टेंस बाय ड्राइविंग फोर्स। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बेफल इन सेल साइड ऑफ द सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, इंक्रीज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सेल साइड लिक्विड, फोर्स द लिक्विड टू फ्लो पैरेलल टू द बैंक, इंक्रीज द हीट ट्रांसफर कोफिशियंट, सेल साइड हीट ट्रांसफर कोफिशियंट,
डिक्रीज द सेल साइड हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सेल साइड कोएफिशिएंट को, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट को बढ़ा देता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड बाय मूवमेंट ऑफ वार्म वाटर इज डिस्क्राइब्ड बाय। तो ऑप्शन ए फूरियर्स लॉ, ऑप्शन बी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ऑप्शन सी फिक्स लॉ और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द मेन एम ऑफ क्रैकिंग टू प्रोड्यूस, क्रैकिंग का मेन एम क्या प्रोड्यूस करना है। ऑप्शन ए गैसोलीन, ऑप्शन बी लिव ऑयल, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, ऑप्शन डी कोक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गैसोलीन। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है। ऑप्शन ए CH4, ऑप्शन बी C2H2, ऑप्शन बी C2H4, ऑप्शन सी C2H6। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए CH4, दैट मीन्स मीथेन। ओके, और इस टाइप का भी ऑप्शन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस टाइप का। तो अगला क्वेश्चन द करेक्टराइजेशन फैक्टर ऑफ क्रूड पेट्रोलियम इज अराउंड 3, 11, 22, 28। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 11। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गम फॉर्मेशन इन स्टोर्ड गैसोलीन इज मेनली ड्यू टू, गम फॉर्मेशन जो होता है स्टोर्ड गैसोलीन में वो किसके वजह से। एल्काइलेशन ऑफ अनसेचुरेट, प्रेजेंस ऑफ सल्फर, ऑक्सीडेशन एंड पॉलीमराइजेशन ऑफ अनसेचुरेट्स, हायर एरोमेटिक कंटेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रेजेंस ऑफ सल्फर। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ऑक्टेन नंबर ऑफ एन हेप्टेन इज एज्यूम टू बी, एन हेप्टेन का ऑक्टेन नंबर कितना एज्यूम किया जाता है। ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 70, ऑप्शन डी इनफाइनाइट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कंज्यूम हाइड्रोजन, इसमें से कौन सा प्रोसेस में जो है हाइड्रोजन का कंजम्पशन होता है। फ्लोराइड कैटलाइटिक क्रैकिंग में, विस ब्रेकिंग, प्रोपेन डिस्पल्टिंग में और नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्लोराइड कैटलाइटिक क्रैकिंग। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट ऑक्टेन नंबर, इसमें से बताना है किसमें हाईएस्ट ऑक्टेन नंबर है। ठीक है, तो ऑप्शन ए एरोमेटिक, ऑप्शन बी आइसोपैराफिन, ऑप्शन बी नेफ्थीन, ऑप्शन सी ओलिफिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एरोमेटिक, इसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एको पोलीमर ऑफ विनाइल एंड विनिल विनाइल आइडीन क्लोराइड इज, ऑप्शन ए टेरिलिन, ऑप्शन बी ओरोलोन, ऑप्शन सी सारन, ऑप्शन डी डेक्रोन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सारन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ट्रेड नेम ऑफ डैश इज नियोप्रीन, किसका ट्रेड नेम जो है नियोप्रीन है। ऑप्शन ए कह रहा है पोली क्लोरोप्रीन का, पोली आइसोप्रीन का, पोली टेट्राफ्लोरोइथिलीन का और पोली विनाइल एसीटेट का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए पोली क्लोरोप्रीन। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है डैश इज एन होमोपोलीमर, इसमें से कौन सा जो है होमोपोलीमर है। यह है नियोप्रीन या बैकेलाइट या नाइलॉन 66 या टेरिलिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए नियोप्रीन। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि हम आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिए हैं कि हम 60 क्वेश्चन जो है वो आपको ब्रांच से लेके आए हैं और आप इसमें देखें ही फ्लूड मैकेनिक्स, मैकेनिकल ऑपरेशन, हीट ट्रांसफ़र, मास ट्रांसफ़र, सारा कुछ का कम्बिनेशन इसमें आपको देखने को मिलेगा, पॉलीमर, इंस्ट्रूमेंटेशन, है ना। तो अगला क्वेश्चन है डेक्रोन क्या है। ऑप्शन ए पॉलिस्टर, ऑप्शन बी अनसेचुरेटेड पॉलिस्टर,
पॉलीएमाइड इनऑर्गेनिक पॉलीमर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पॉलिएस्टर। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नियोप्रिन इज केमिकली नोन एज। नियोप्रिन जो है केमिकली इसको क्या बोलते हैं? अभी अभी ये क्वेश्चन पीछे करवा चुके हैं, पोली रिपीट हो गया, पोलीब्यूटाडाइन, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर, या पोलीयुरेथीन, या पोलीक्लोरोप्रीन। तो अभी अभी इसका आंसर हम बताएं, पोलीक्लोरोप्रीन। ठीक है, क्वेश्चन बस वही है, घुमा के पूछ दिया। बैकेलाइट जिसको फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड भी बोलते हैं, रेजिन कैन नॉट बी यूज्ड एज, ऑप्शन बी ए डेकोरेटिव पेंट, डेकोरेटिव लेमिनेट्स, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन और ग्लास रिइंफोर्समेंट प्लास्टिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डेकोरेटिव पेंट में जो है बैकेलाइट का यूज नहीं किया जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर कैन बी डिटरमाइंड बाय। एयर का ह्यूमिडिटी किससे निकाला जाता है? क्रोमेटोग्राफ से, या साइक्रोमीटर से, या मास स्पेक्ट्रोमीटर से, या पोलरीमीटर से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है साइक्रोमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर पॉइंट टेम्परेचर इज डैश डिग्री सेल्सियस। सिल्वर पॉइंट टेम्परेचर कितना टेम्परेचर को बोलते हैं? ऑप्शन ए 760.5, ऑप्शन बी 860.5, 960.5, या 1060.5। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जिरकोनिया प्रोब इज यूज फॉर द कंटिन्यूस मेजरमेंट ऑफ फ्ल्यू गैस डूइंग आउट ऑफ द फर्नेस। तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन इन, कार्बन डाइऑक्साइड इन, कार्बन मोनोऑक्साइड इन, और टेम्परेचर। तो जिरकोनिया प्रोब का जो यूज किया जाता है वो फ्ल्यू गैस में ऑक्सीजन को मेजर करने के लिए। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मैक्लोइड गेज इज यूज टू मेजर द। मैक्लोइड गेज का यूज किसको मेजर करने में किया जाता है? ऑप्शन ए पॉइंट वेलोसिटी, ऑप्शन बी फ्लो रेट, ऑप्शन सी वैक्यूम, ऑप्शन डी प्रेशर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वैक्यूम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रिंगलमेंट चार्ट इज यूज फॉर द इवेल्युएशन ऑफ डैश पॉल्यूशन। तो किस पॉल्यूशन में जो है रिंगलमेंट चार्ट यूज किया जाता है? एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, या रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एयर पॉल्यूशन। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द टर्म बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी इज यूज्ड रिलेशन टू। बीओडी टर्म जो यूज किया जाता है कहाँ पे यूज किया जाता है? पोर्टेबल वाटर में, या कूलिंग वाटर में, या डिस्टिल्ड वाटर में, या इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मेन पोल्यूटेंट्स रिलीज्ड फ्रॉम पेट्रोलियम रिफाइनरी इज। मेन पोल्यूटेंट्स जो पेट्रोलियम रिफाइनिंग में रिलीज होता है वो कौन सा होता है? ऑप्शन ए सी ओ एस ओ टू और एस टू एस, ऑप्शन बी सी ओ टू एन ओ एस टू थ्री, सी ओ टू एस टू एस एन ओ टू एस ओ थ्री एन ओ टू सी ओ टू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, ये मेन पॉल्यूटेंट्स हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कलर टेस्ट ऑफ वाटर इज डन विथ एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड। कलर टेस्ट जो किया जाता है वाटर का किस इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है? ऑप्शन ए टिंटोमीटर, ऑप्शन बी क्लोरीमीटर, इलेक्ट्रोकेमिकल, और टर्बिडिटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टिंटोमीटर। ओके, और ये टेक्निकल का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद 40 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल है, जैसा कि हम वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं। ठीक है, बी ओ डी इज लेस देन सी ओ डी, इक्वल टू सी ओ डी, या ग्रेटर देन सी ओ डी, या नन ऑफ दिस। तो बी ओ डी जो होता है वो सी ओ डी से कम होता है। ठीक है, सी ओ डी बड़ा होता है। तो इसका राइट आंसर है ए। ओके, तो इस तरह से आपका 60 क्वेश्चन जो है टेक्निकल कंप्लीट हुआ। अब बाकी आगे का जो 40 क्वेश्चन है वो आपको नॉन टेक्निकल से मिलेंगे। ठीक है, इसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और करेंट अफेयर, इस सभी का बैलेंस है उसमें। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है करेंट अफेयर्स से, भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने वाली समिति का नेतृत्व कौन कर रहा है?
ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी अनुराग ठाकुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रामनाथ कोविंद। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के प्रेस सूचना ब्यूरो मतलब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB के नए प्रधान महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? राजेश मल्होत्रा या मनीष देसाई या सितांशु कर या KS धतवालिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मनीष देसाई। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इटालियन ग्रां पी 2023 किसने जीता? चार्ल्स लेक्लर, सर्जियो पेरेज, कार्लोस सेनेस और मैक्स वेरस्टैपेन। तो इसका राइट आंसर डी है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 2023 डूरंड कप किसने जीता? किस टीम ने जीता? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC, पूर्वी बंगाल FC गोवा, मोहन बगान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मोहन बगान। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया है? नंदिनी गुप्ता को या परवीना अंजना को या श्रेयस पुंजा को या थोया ओजम स्ट्रेला रुआंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है परवीना अंजना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विश्व विकास सूचकांक दिवस 2023 को कब मनाया गया? ऑप्शन ए 25 अक्टूबर को, ऑप्शन बी 23 अक्टूबर को, ऑप्शन सी 24 अक्टूबर को, ऑप्शन डी 26 अक्टूबर को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचकांक दिवस मनाया गया है 2023 में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 2023 में 37वां राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कहाँ किया गया? अहमदाबाद गुजरात में या बेंगलुरु कर्नाटक में, पणजी गोवा में, हैदराबाद तेलंगाना में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गोवा पणजी में। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वह पूर्व चीनी प्रधानमंत्री कौन थे जिनका 27 अक्टूबर 2023 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया? ली केकियांग, लिन जिहुआ, वेन जियाबाओ, हुन जिनताओ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ली केकियांग। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप देख ही रहे हैं कि 61 से बढ़े हैं, 10 क्वेश्चन मैंने इसमें करंट अफेयर का लाया है। ठीक है, 10 क्वेश्चन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारतीय स्टेट बैंक का आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? SBI का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी MS धोनी और ऑप्शन डी रोहित शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है MS धोनी को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश 2024 में विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेज़बानी करेगा? ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी सिंगापुर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए ये आपका करंट अफेयर्स का ख़त्म हो गया 10 क्वेश्चन। अब आगे अगला क्वेश्चन मे बी चार पाँच क्वेश्चन याद नहीं है, इसके बाद आपको कुछ रीजनिंग से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर GK, फिर GS, फिर आपको मैथमेटिक्स का लास्ट में। ठीक है, तो इस श्रृंखला को आप लोग इसको पहले आप लोग सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग पॉज करके इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर इसका मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि इधर 14 × 2 = 28। ठीक है, 14 × 2 = 28 यहाँ पे किया। अब देखिए उसके एक मिनट, इसको इस तरह से लिख लीजिए 14, 28, 20, 40, 32, 64 इस तरह से। ठीक है,
तो इसमें आपको क्या है कि 2 से मल्टीप्लाई करके 8 घटाया है, इस टाइप का कि 14 दुनिया 28 होना चाहिए। तो फिर एक बार 28 लिख दिया, फिर क्या किया, 14 दुनिया 28 में से 8 घटा दिया, 20 लिख दिया। ठीक है, इसी तरह से आप पीछे जाइए, मतलब इसका एक गैपिंग करके आप इसका ये 20 दुना 40 करिए, 20 दुना 40 उसमें से 8 घटा दिया 32, इसी तरह से 32 दुना 64। ठीक है, ये 64, ये इस तरह से सीरीज है, जैसे 14 हुआ और इधर है 20, मतलब देखिए इस तरह का सीरीज है, 14 28 20। ठीक है, तो 14 दुनी 28 होता है, उसमें से 8 घटा के 20 लिख दिया, इस तरह से सीरीज है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे क्या किया, 32 दुना 64 लिख दिया और उसमें से 8 घटा के यहाँ लिख देंगे, तब 64 में से 8 के कितना बचा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 56। आप लोग क्या मारे पता नहीं। ठीक है, तो रीजनिंग में तो कुछ उसका और छोर नहीं होता है, जो दिमाग लग जाए, जो सीरीज बैठ जाए। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपको ब्लड रिलेशन से। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, इससे पहले जो ये क्वेश्चन है वो नंबर सीरीज से है। मैं क्वेश्चन का कलेक्शन इसी तरह से किया हूँ कि हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन टच किया हूँ। ये देखिए आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, इसको आप लोग बना लीजिए। पी जो है, पी के की माँ है, के जो है डी की बहन है, और डी जो है जे का पिता है, और पी जो है जे से, तब पूछ रहा है पी जो है जे से किस प्रकार संबंधित है। तो आप लोग ब्लड रिलेशन जो सॉल्व करते हैं उस हिसाब से इसको सॉल्व कर लीजिए। ये सब क्वेश्चन का तो सलूशन है नहीं, इसको सोच सोच करके बनाना है। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर है दादी माँ। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, ये सब बस क्वेश्चन बड़ा लगता है, रीजनिंग का डायरेक्शन से है। ठीक है, एक इसको इसका आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इसको डायरेक्ट इसका क्वेश्चन पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, पॉज करके आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके, और इसको मैं राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर जो है वो है दक्षिण पश्चिम। ठीक है, और बाकी आपको कोई डाउट हो कि कैसे बनाना है तो आप जो है सो कमेंट करके बताइए कि इसका सोल्यूशन आपको कैसे चाहिए, फिर मैं आपको सोल्यूशन बताऊँगा। क्योंकि ये सब क्वेश्चन ये मान के ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसलिए ज़्यादा इसमें ये नहीं कर रही हैं। उसके बाद ये देखिए फिर रीजनिंग आ गया वेन डायग्राम से। ये कह रहा है कि आपको चित्र में कबूतर, पक्षी और कुत्ते के बीच रिलेशन को आपको बताना। तो इस टाइप में आप देख रहे हैं कि पक्षी के अंदर ही ये कबूतर है, मतलब एक पक्षी जो है, एक कबूतर एक पक्षी हो सकता है ना, और कुत्ता इसमें अलग हो गया। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में मान के चलिए कि पक्षी दिया, जैसे एक कबूतर दिया एक कौवा दे देता। ठीक है, तो ये हो जाता, इस तरह से आपको इसमें लगाना पड़ता है दिमाग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अब देखिए जीके का आ गया क्वेश्चन। रीजनिंग का मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चन ही डाला था। ठीक है, अब आ गया आपको जीके का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, आपको बताना है इसमें से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, टैगा, सवाना, पंपास या घासों के मैदान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सवाना। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 अप्रैल को या 10 दिसंबर को या 7 दिसंबर को या 5 सितंबर को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 10 दिसंबर को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला ओलंपिक हॉकी संपूर्ण कब जीता था। भारत ने पहला ओलंपिक हॉकी में स्वर्ण पदक जो है, स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल कब जीता था। तो इसका जो राइट आंसर, ये ऑप्शन पहले देख लीजिए, 1928, 1932, 1936 या 1948।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1928। ओके, ये देखिए अभी ज़्यादा वीडियो लंबा भी नहीं हुआ है, 40 मिनट का वीडियो हुआ है अभी, और 77 क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। एक घंटा एग्ज़ाम में तो आपको 2 घंटा मिलेगा एग्ज़ाम में सॉल्व करने के लिए, ठीक है, 2 घंटा। यहाँ पे 100 क्वेश्चन में थोड़ा मैं फास्ट लेकर के चल रहा हूँ, मेरा टारगेट 1 घंटा के अंदर सॉल्व कर लेना है, ठीक है, कहीं क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर आप लोग उतना देख नहीं पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला टेलीविज़न का कार्यक्रम कब प्रसारित किया गया था। भारत में पहला टेलीविज़न कार्यक्रम कब प्रसारित किया गया था। ऑप्शन ए 1959, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 1957। तो इसका राइट आंसर आप लोग लगा लीजिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1959। अगला क्वेश्चन है, माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी माइकल एंडरसन, ऑप्शन सी विंस्टन चर्चिल और ऑप्शन डी जानेस मॉरिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है महात्मा गांधी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सलाल परियोजना किस नदी पर है। सलाल परियोजना किस नदी पर है। ऑप्शन ए चिनाब, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी रवि और ऑप्शन डी सतलज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चिनाब। सलाल प्रोजेक्ट जो है वो चिनाब नदी पे है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा किस किस देश के बीच है। अब देखिए ये रेखा वाला तो एक कभी कभी पूछता है, कभी रेड क्लिफ पूछ देता है, तो कभी मैकमोहन रेखा पूछ देता है, तो कभी डुरंड रेखा पूछ देता है, ठीक है। तो रेड क्लिफ जो है उसका पहले आंसर इसका देख लेते हैं, बाकी उसके बाद चर्चा करेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत म्यांमार और भारत अफगानिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है रेड क्लिफ रेखा वो भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। और उसके बाद आपको मैं जानकारी के लिए बता दूँ, क्योंकि वो भी एग्ज़ाम में पूछता है, भारत चीन के बीच जब पूछेगा तो वो होता है मैकमोहन, ठीक है, मैकमोहन रेखा, तो वो भारत चाइना के बीच होता है। और एक और जो इम्पॉर्टेंट है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच का है, वो है डुरंड रेखा, ठीक है। मतलब कि ये तीनों जो है इम्पॉर्टेंट है, रेड क्लिफ, उसके बाद एक बताए हम आपको मैकमोहन जो कि भारत और चीन के बीच है, और एक हम आपको बताए डुरंड जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है। तो तीनों आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष की बात हो रहा है, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या विधानसभा के अध्यक्ष। तो इसका जो राइट आंसर है वह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो ये था आपका जीके से क्वेश्चन, अब आ गया थोड़ा जीएस, अब जनरल साइंस से क्वेश्चन कुछ आ गया, ठीक है। द मेटल यूज्ड टू रिकवर कॉपर फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज। ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी एजी मतलब सिल्वर और ऑप्शन सी एचजी पारा और आयरन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट एबंडेंट रेयर गैस इन द एटमॉस्फेयर इज। हीलियम, नियॉन, आर्गन या ज़ैनन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आर्गन सी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जोन रिफाइनिंग इज यूज फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ। जोन रिफाइनिंग किसके प्योरिफिकेशन में यूज किया जाता है। AU, गैलियम, AG और CO। AU मतलब ऑरम, ये गोल्ड का है, ये गैलियम, AG सिल्वर और कॉपर तो जानती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओर कौन सा है। ऑप्शन ए बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट या मोनाजाइट।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द नेशनल केमिकल लेबोरेटरी इज सिचुएटेड इन। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है, न्यू दिल्ली में या बेंगलोर में, पुणे में या पटना में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पुणे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रेक्टिफायर आर यूज टू कन्वर्ट। ये देखिए कि अभी मैं वो सब क्वेश्चन जो डाला था वो केमिस्ट्री से था, अब इसमें फिजिक्स से है। मतलब क्वेश्चन का जो मैं बैलेंस किया हूँ, काफ़ी मेहनत करके, काफ़ी सोच समझ के, काफ़ी बैलेंस्ड क्वेश्चन डालने का प्रयास किया हूँ हर चीज़ से। ठीक है, हर फील्ड से जो एग्ज़ाम में से पूछता है उस टॉपिक को मैं टच करने का प्रयास किया हूँ। फिजिक्स के क्वेश्चन आ गया, रेक्टिफायर किसको कन्वर्ट करता है, तो डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिव करंट में, मतलब डीसी को एसी में, या अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में, या हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में, एसी को डीसी में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट। वाटर का जो मैक्सिमम डेंसिटी होता है, अधिकतम घनत्व, वह किस टेम्परेचर पे होता है, 0 डिग्री पे, या 4 डिग्री सेल्सियस पे, या 4 डिग्री केल्विन पे, या 4.8 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, स्केटरिंग, या इंटरफेरेंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये आपका 90 क्वेश्चन कंप्लीट। अब अगला जो 10 क्वेश्चन है वो अगला 10 क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स से मिलेगा। ठीक है, तो इसमें तो आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी। ठीक है, ये आपको बताना है एक समतल भूमि पर बिंदु पी से शीर्ष मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि टावर 100 मीटर ऊंचा हो तो टावर के आधार से पी बिंदु की दूरी ज्ञात करें। तो इसको आपको बनाना है जैसे कि कोई टावर है। ठीक है, और इसका इधर से जो एंगल बना रहा है ये बना रहा है 30 डिग्री, और ये जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 100। ठीक है, 100 मीटर। तो आपको ये कह रहा है यहाँ पे एक पॉइंट पी है। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है, देखिए ये वाला पूछ रहा है, और ये जो है सो दिया हुआ है। अब देखिए आप लोग टेन थीटा का मान पर वैल्यू पढ़े होंगे, ये इसमें यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार, है ना। तो लंब और आधार आप लोग किसका, टेन का होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें कि 10-30 का वैल्यू जो है इसमें आपको कुछ नहीं करना है, फिगर बनाए उसके बाद 10-30 का वैल्यू जो है वो कर देना है पी बाई बी। तो पी ये 100 था, ठीक है, और इसका वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, तो इस तरह से इसको जब आप सॉल्व करेंगे, 10-30 का वैल्यू आप डाल देंगे इसमें, कितना होता है 1/√3, ये सब याद होना चाहिए, इसको 100/x। तो इस तरह से जब आप इसको मल्टीप्लाई कर, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 100x इक्वल टू ये 1/√3, और 100 को मल्टीप्लाई करना है तो 1/√3 का वैल्यू कितना होता है, 1.73 होता है ना, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 173 लगभग आ जाएगा, क्योंकि 2 दशमलव के बाद हटा देंगे तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्यूशन भी किया हूँ आप लोग को समझाने के लिए, मैं यहाँ पर थोड़ा शॉर्टकट सॉल्यूशन किया हूँ, आप लोग भी इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ए बी सी तीनों का जो एवरेज वेट है वो 45 किलो है, यदि ए और बी का औसत वेट जो है 40। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन, इसका आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी का औसत 45 है, मतलब कि आपको ए प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू है वो अब 3 औसत 3 होता है ना,
इक्वल टू है 45, तो आपको यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू आ गया वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 × 3 = 15, 4 = 135 हो गया ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जो आ गया 135। उसके बाद कह रहा है, चलिए एक मिनट इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं, फ्रेश लिख लेते हैं। उसके बाद कह रहा है, एक लिख लेते हैं बस, ए प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 45। ठीक है, सॉरी, ये आ गया हमको 135 है ना। उसके बाद कह रहा है ए और बी का औसत इतना है, मतलब ए प्लस बी बाई टू जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है 40, मतलब ए प्लस बी का वैल्यू है 80। यहाँ पे डाल देंगे सी का वैल्यू आ गया, तो 40 × 80 इसमें से घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 55। मतलब कि आपको सी का वैल्यू भी पता चल गया, सी का जो वैल्यू है वो कितना है 55 है। ठीक है, अब उसके बाद अगला लाइन कह रहा है बी और सी का औसत जो है वो 43 है, मतलब बी प्लस सी जो है वो 43/2 मल्टीप्लाई कर देंगे 86, बी प्लस सी का वैल्यू 86 है और सी का वैल्यू हमको अभी मिल गया है 55। ठीक है, तो बी का वैल्यू 86 में से 55 घटा लेंगे, मतलब बी का जो वैल्यू आ जाएगा 86 − 55 = 3। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व किए हैं, इसका आंसर है 31। आप लोग फटाफट सॉल्व कर लीजिए, हिंट आपको हम यहाँ पे दे दिए हैं। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए अपने हिसाब से, जैसे आप लोग एवरेज सीखे हैं, तो इसका आंसर आप लोग को हम रफली बता भी दिए हैं। जगह के अभाव के कारण यहाँ पे मतलब इसी में हम कंजस्टेड बताए हैं, फिर भी आप लोग ध्यान से देखेंगे तो उसको समझ जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, समीर और आनंद की वर्तमान आयु 5 और 4 के अनुपात में है, 3 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाता है, तो आनंद की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, अब देखिए, अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस रेशियो में x को मान के चलना है, मतलब समीर का जो एज मान लेना है, वर्तमान आयु समीर का, ये देखिए, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, समीर का मान के चलिए 5x और आनंद का जो मान के चलिए वो मान के चलिए कितना 4x। ठीक है, तो अब 5x 4x, अब कह रहा है 3 वर्ष बाद, मतलब 5x + 3 और बाय 4x + 3। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, मतलब 5x + 3 बाय 4x + 3, इसको जब मल्टीप्लाई करता है तो 11:9 हो जाता है। तो इसको आपको सॉल्व करके क्या करना होगा, x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट करते हैं, जैसे इसको अब इससे मल्टीप्लाई करना है, 11 × 4 = 44, इधर 9 × 5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 5 = 45, तब 45x, ये हम थोड़ा शॉर्टकट कर रहे हैं, आप लोग अपने हिसाब से कैलकुलेशन कीजिए, तब 45x में से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर 11 × 3 = 33, 9 × 3 = 27, तो 6, मतलब हमको x का वैल्यू, इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 6। ठीक है, x का वैल्यू 6 आ जाएगा। तब पूछ रहा है कि आनंद की वर्तमान आयु क्या है, तो आनंद बाद वाला है, मतलब 4 में x का वैल्यू डाल देना है। ठीक है, मतलब आपको आंसर जो आ जाएगा ये 24 आ जाएगा। ये आप लोग अपने हिसाब से सॉल्व कर लीजिए, हम आपको हिंट दे दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पाइप ए बी टैंक को 5 और 6 घंटे में भर सकते हैं और पाइप सी जो है 12 घंटे में खाली कर सकता है, और तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितना देर में भर जाएगा। तो ये देखिए आसान क्वेश्चन है, भरने वाला 1/5, भरने वाला प्लस में लिखिए और खाली होने वाला माइनस में लिखिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका एलसीएम हो जाएगा 5 × 6 = 2 का कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, 5 × 6 = 30 प्लस 6 × 5 = 30 माइनस 15 × 2 = 1
एक बट्टे पाँच प्लस एक बट्टे छः माइनस एक बट्टे बारह। इसका एलसीएम आप लोग पाँच छः और बारह का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, पाँच दूनी दस, पाँच तीन पंद्रह, पाँच चौक बीस, पच्चीस पच्चीस, पाँच छः तीस। तीस नहीं होगा, तीस में तो बारह से थोड़ी लगेगा। सत्तर पैंतीस, पाँच अट्ठे चालीस, नहीं पाँच नंबर पैंतालीस, बारह पाँच साठ। यहाँ पे साठ हो जाएगा इसका एलसीएम, आप लोग निकालना। साठ होगा, बारह पाँच साठ प्लस छः दहाई साठ माइनस बारह पाँच साठ। तो इसका जो ये बारह और दस, बाईस में से पाँच गया सत्रह, मतलब ये हो जाएगा सत्रह बट्टे साठ। ठीक है, अब सत्रह बट्टे साठ को पलट देना है, तो साठ बट्टे सत्रह इसको पूर्णांक में लिखना है। सत्रह तिया का वन और नौ साठ। ठीक है, मतलब इसका आंसर जो हमको आ गया वो आ गया तीन। ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्टकट यहाँ पे कर रहा हूँ, मैथ यहाँ पे समझाना पॉसिबल नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा आपको फिर भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करना, हिंट तो मैं यहाँ पे दे ही रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि यदि छः आदमी और आठ लड़के एक काम को दस दिन में करते हैं और उसी काम को 26 आदमी और 48 लड़के दो दिन में करते हैं, तो आपको बताना है 15 आदमी और 20 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे। अब देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन का हम स्पेशल एक वीडियो बनाए हैं और दो दो एग्जांपल हम आपको समझाए हुए हैं। ठीक है, आप एक बार हो सके तो मेरे चैनल पर विजिट करके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप फिर भी नहीं देखते तो यहाँ भी हम हिंट्स दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे देखिए इसको क्या करेंगे, देखिए छः मेन और प्लस एट बॉय। ठीक है, ये किसी काम को दस दिन में करता है, मल्टीप्लाई टेन करेंगे और उसको जो है सो इक्वल टू करेंगे कितना, 26 मेन प्लस 48 बॉय, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दो से। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से क्या करना होगा, एम और ये मेन और बॉय इसका जो है निकालना पड़ेगा रेशियो। ठीक है, तो इसको देखते हैं कितना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये 10 छक 60, 60 एम और प्लस ये 10 8 80 बॉय, मतलब 60 मेन और 80 बॉय, और इसमें हो गया इधर कितना हो गया, 26 दुना 52 मेन और 48 दुना 96 बॉय। ठीक है, तो ये जो हो गया, ये हो गया आपको, एक मिनट, हम उस लाइन को फिर से ऊपर लिख देते हैं। मतलब उसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगा कितना, 60 मेन प्लस 80 बॉय इक्वल टू, वो हो जाएगा 52 मेन प्लस 96 बॉय। ठीक है, भाग गया, ये क्या हो जाएगा, हाँ 96 बच गया। अब देखिए, अब इसको क्या करना है, ये 60 में से 52 गया तो 8 मेन इक्वल टू ये 96 में से 80 गया तो 16 बॉय, मतलब कि आपको ये आ गया 8 एम इक्वल टू 16 बॉय, मतलब आपको जो ये आ गया 8 एम इक्वल टू 16 बाय, मतलब यहाँ पे आपको एम बाय बी का जो रेशियो आ गया वो आ गया 16 बट्टे 8 दूनी 16, 2:1। ठीक है, मतलब एम का जो वैल्यू डाल देना है वो 2 और बॉय का जो डाल देना है वो 1। ठीक है, वो पहले जो हम इक्वेशन लिखे हैं इसको सॉल्व करना यहाँ पे वो हो रहा है। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करना,
बाकी इसको नहीं समझ में आपको आएगा तो आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे हम आपको समझा देंगे, या फिर हम आपको इस वीडियो में उसका एक लिंक डाल देंगे उस वीडियो का। ये क्वेश्चन एक्चुअली, ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप का मैं एक वीडियो बनाया हूँ इस क्वेश्चन पे, यहाँ इस पेज में थोड़ा कंजस्टेड है इसलिए मैं उसको समझा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन एक स्टेप सॉल्व करने के बाद इसमें जगह भर जाता है, दूसरा स्टेप के लिए जब उसको मैं डिलीट करता हूँ तो पीछे वाला भाग जाता है, ठीक है। तो मैं इसका आपको लिंक मैं डाल देता हूँ, इसका जो मैं वीडियो आप स्पेशल इस क्वेश्चन का बनाया हूँ उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको आप वहाँ से सॉल्व कर लेना, बाकी अपने हिसाब से आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती है जो 2 सेकेंड 4 सेकेंड 6 सेकेंड 10 सेकेंड में और 12 सेकेंड में बजती है, 12 सेकेंड के अंतराल पे बजती है, एक साथ वह 6:10 में बजा है तो दोबारा कब बजेगा। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस सब का एलसीएम ले लेना है। क्या करना है, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस सब का आपको एलसीएम ले लेना है, ठीक है। तो एलसीएम इस सब का जब आप निकालेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 120 सेकेंड, ठीक है। 120 सेकेंड मतलब 120 सेकेंड के बाद, मतलब 2 मिनट के बाद वो फिर से बजेगा, ठीक है। अब एक बार 6:10 में बजा है तो वो 6:12 में दोबारा वो एक साथ फिर बजेगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लीडर शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। अब देखिए तो लीडर में कितना वर्ड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 वर्ड है, तो ऊपर में फैक्टोरियल 6, कितना वर्ड रिपीट कर रहा है, ई दो रिपीट कर रहा है, फैक्टोरियल 2, इसको सॉल्व कर देना है। अब फैक्टोरियल, तो इसको जो सॉल्व करेंगे ये फैक्टोरियल 2 × 3, 4, 5 इसको ये हो जाएगा, और मल्टीप्लाई मतलब ये इस टाइप का हो जाएगा, फैक्टोरियल 2, 3, 4, 5, 6 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2, ये कट जाएगा, और 4 × 3 = 12, 5 = 60, 6 = 360 ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किस दर पर किस धनराशि 1200 रुपये से 2 साल बाद इतना रुपये हो जाएगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको हिंट दे देता हूँ, A = आप लोग जानते हैं P × 1 + RY100⁻⁴, ये n होता है, इसमें आपको a दिया हुआ है, ये p दिया हुआ है, ये और यहाँ पे आपको 2 वर्ष n भी दिया हुआ है, यहाँ से आपको r का वैल्यू सॉल्व कर लो एक बार, ठीक है। आप सॉल्व कर लो इसको। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2 संख्या जो है जो 3:5 के अनुपात में है, प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए तो नई संख्या के अनुपात में हो जाती है, तो छोटी संख्या क्या होगी। तो इसमें 2 संख्या 3:5 में है, मतलब छोटी संख्या इसमें क्या है, 3 है। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, इसमें भी x उसमें कंसीडर कर लेना है, तो हो जाएगा 3x और 5x। अब जैसे क्वेश्चन पीछे कराए हैं दोनों में उसमें 3 जोड़ रहा था, इसमें से क्या करना है, -9 कर लेना है, 12:23। यहाँ से आपको पहले x का वैल्यू निकाल लेना है, इसको सॉल्व करके, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसको आप x का वैल्यू निकालेंगे उसमें 3 में इसमें डाल देना, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइम नंबर। अब आपको बताएंगे प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर जिसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या, हिंदी में क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, ठीक है। तो अभाज्य संख्या जो एक और अपने आप से भाग लगता है, तो इसमें 31 में तो सिर्फ एक से भाग लग गया और 31 से, तो ये प्राइम नंबर है। 61 में वही हाल है, 71 में वही है, लेकिन 91 में मतलब 7 से भी भाग लग जाएगा, 13 से भी भाग लग जाएगा, ठीक है। तो इसका ये जो है सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यही एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपका 100 क्वेश्चन का कम्प्लीट हुआ सेट, ठीक है। और जो मैथमेटिक्स का एक टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ पे मैं समझा नहीं पाया, उसका मैं लिंक वीडियो में डाल देता हूँ, स्पेशल मैं उसका वीडियो बनाया हूँ, ठीक है। तो मैं उसका लिंक डाल देता हूँ, आप एक बार वो क्वेश्चन जरूर से ज़रूर देख लें, क्योंकि उस टाइप का क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में पूछता है, ठीक है। और अगर आपको हमारा चैनल हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ठीक है।
और अगर आप सब्सक्राइब किए हो तो दोस्तों को शेयर कर दो, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए कुछ ना कुछ शानदार मसाला देखने को मिलेगा। ठीक है, तो धन्यवाद।